हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर किया था और आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स को समझेंगे। सो लेट p बाय q एंड r बाय s बी टू रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है, p बाय q और r बाय s। देन जब हमें दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मल्टीप्लिकेशन। सो p बाय q मल्टीप्लाई r बाय s। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज पी मल्टीप्लाई आर अपॉन क्यू मल्टीप्लाई एस एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सी द एग्जांपल, माइनस 9 बाय 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 33 बाय 72। सो माइनस 9 बाय 11 बाय के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन, माइनस 33 अपॉन 72। और नेक्स्ट स्टेप इज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो वी हैव टू राइट माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 33 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 72। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर किसी एक ही टेबल में आ रहा है तो हम उसे कट करके उसे रिड्यूस करेंगे। सो 9 वन ज़ा 9, 9 एट ज़ा 72 एंड हेयर 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33। ये ध्यान रखेंगे बेटा कि इसमें हम कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट नहीं कर सकते और ना ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब हम कट करने वाला प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक नंबर न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस में भी हो सकता है। अगर दो माइनस के साइन एक साथ आते हैं तो माइनस माइनस क्रॉस होकर पॉजिटिव साइन में आ जाते हैं। सो हमारा क्वेश्चन बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 3 वन ज़ा 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 8 दैट इज़ 8 वन ज़ा 8। सो आवर आंसर इज 3 अपॉन 8। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अनदर एग्जांपल। 10 बाय 27 बाय माइनस 9 अपॉन 25। सो सेम प्रोसेस, 10 अपॉन 27 मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 25। सो दोनों को एक ही स्टेप में लेके आते हैं, 10 मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 25। अगेन ये देखते हैं कि कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे 9 और 27 रिड्यूस हो रहे हैं। सो 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27। 10 और 25 भी रिड्यूस हो रहे हैं। सो 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25। सो आर आंसर इज 2 वन ज़ा 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 फाइव ज़ा 15। न्यूमिनेटर में हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक सिंगल माइनस का साइन है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 15। सो और नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो सेम प्रोसेस डिवीजन में होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। डिवीजन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ही इनवर्स प्रोसेस होता है। देखिए कैसे, लेट पी वाई क्यू एंड आर बाई एस बी टू रेशनल नंबर्स। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स है, पी वाई क्यू एंड आर बाई एस। जब हमें इन्हें डिवाइड करना होता है सो पी वाई क्यू डिवाइड आर अपॉन एस। हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा पी वाई क्यू, डिवाइड के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और डिवाइड के साइन के बाद जो टर्म हमारे पास है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। दैट इज़ यहाँ पे था आर अपॉन एस और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये हो जाएगा एस अपॉन आर। वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, डिवाइड 10 अपॉन 27 बाय 15 अपॉन 36। 10 अपॉन 27 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का साइन डालेंगे, 15 अपॉन 36। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 अपॉन 27 फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन और जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 15 अपॉन 36, इसे हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 36 अपॉन 15, बिकॉज डिवीज़न इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो डिवीज़न को जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारी इनवर्स हो जाती है। अब यहाँ पे सेम हमारा क्वेश्चन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन के जैसा, तो जैसे हमने उसे सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर रिड्यूस होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करके सिंपल लिखेंगे। और अगर कोई हमारा नंबर नहीं रिड्यूस होता है तो हम सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर